स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपके काफ़ी सारे हमें कमेंट्स भी आ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश जो वन मित्र भर्ती है उसका क्या हुआ है, सुनवाई में क्या कहा गया है और क्या अपडेट है उसकी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको अपडेट दी थी, बट मैंने सोचा कि वीडियो बना के बता दिया जाता है आपको तो बढ़िया रहेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि 7 तारीख को जो थी वो आपकी सुनवाई थी, और सुनवाई में दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वन मित्र भर्ती में जो है वो मामले में राज्य सरकार से 2 हफ्तों के अंदर जवाब दायर करने को कहा है। तो दोस्तों, मतलब कि अब 2 जो है वो वी आपके वीक्स लगेंगे, फिर जो है वो सुनवाई होगी। तो 2 वीक्स के अंदर जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी आप बताएं कि क्या इसमें जो है वो आपकी तरफ से रहेगा। फिर वीरवार को जो है वो न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले की सुनवाई की और सरकार ने मामले पर और अधिक कानूनी राय लेने पर लिए अदालत से समय मांगा था। तो दोस्तों, आपको पता है कि सरकार ने जो है सरकार की तरफ से जो है वो अब जवाब दायर किया जाएगा, फिर देखते हैं कि क्या जवाब जो है वो एचपी गवर्नमेंट देती है। हाई कोर्ट ने जो है वो दोस्तों वन मित्र भर्ती के मामले में पहले ही रोक लगा रखी है। याचिका में जो है वो सरकार की तरफ से जो 7 अप्रैल 2017 को अधिसूचना जो है उसको चुनौती दी गई है। जो उस अधिसूचना में क्या था दोस्तों, तो उस अधिसूचना में दोस्तों जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पद होते थे उनमें सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था, बट फिर भी जो है वन मित्र भर्ती में 10 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू है, तो ये कहा गया है कि उसको जो है वो हटाया जाना चाहिए। तो विभाग ने वन मित्रों के 2061 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी। तो मेन इसमें दोस्तों आपकी खबर निकल के ये आ रही है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वन मित्र भर्ती में राज्य सरकार से 2 हफ्तों के अंदर जो है वो जवाब दायर करने को कहा है। अब जो है वो 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, फिर जो है वो आपकी सुनवाई होगी, फिर देखा जाएगा कि क्या जो है वो इसमें रहता है। अल्टीमेटली जो है वो आप भर्ती में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, 4 सीटें भी लग जाएगी, तो भर्ती में टाइम लगेगा। लोकसभा चुनावों के बाद तक ही इसमें आपको अपडेट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यही वीडियो में आपको मैंने बताना था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।